स्वास्थ्य विभाग से बाहर किए जा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने शुक्रवार से रोजाना 3 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों ने इसकी सूचना गुरुवार को ही अस्पताल प्रशासन को दे दी थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हेल्थ स्ट्रेथनिंग कार्यक्रम के तहत सूबे में 31 जिलों में एक एक अस्पताल चुने गए। करीब 5 साल पहले 51 अस्पतालों में 5,000 कर्मचारी तैनात हुए। सभी कर्मचारी मुंबई की फर्म TNM के जरिए तैनात हुए थे। अब इन कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। शासन से अनुबंध खत्म होने के बाद फर्म ने सभी कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया है। इसके विरोध में कर्मचारियों ने शुक्रवार से आंदोलन करना शुरू कर दिया है। वहीं इस संबंध में स्टाफ नर्स यास्मीन ने बताया कि आज से काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसमें 24 सितंबर तक रोजाना 3 घंटे अस्पताल के काम से विरत रहा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्टाफ नर्स यास्मीन ने कहा, जिला अस्पताल गोरखपुर स्टाफ नर्स। हमारे TNM के कुछ 51 जिलों में कुछ कर्मचारी हैं जिनको निकाला जा रहा है, सारे TNM के कर्मचारियों को। इसी को लेके आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं कि 4 साल से हम लोग यहाँ कार्यरत हैं, ये जितने लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। और 3 महीने से TNM के कुछ कर्मचारियों का वेतन भी बाधित है और 30 तारीख को निकाले जाने की नोटिस भी आ गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग धरने पे हैं और सरकार से ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए।